हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं ओट्स पैनकेक सैंडविचेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने क्वेकर ओट्स से बनाए हैं। क्वेकर ओट्स का हमें गिफ्ट हैम्पर आया था। थैंक यू क्वेकर ओट्स, बहुत ही अच्छे ओट्स हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स आया था जिसके अंदर ओट्स है और इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। ये यहाँ पे रेसिपी कार्ड है और इस रेसिपी कार्ड में दिया गया है कि ओट्स को कैसे बनाना है, कितना ओट्स लेना है और कितना पानी डालना है उसके अंदर। और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर दो मसाले के सैशे हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक है होम स्टाइल मसाला और दूसरा है टेंगी टमाटो मसाला। ओट्स के ये दो पैकेट्स आए हैं जिसमें चार सैशे हैं टोटल एक पैकेट में। और ये यहाँ पे एक बोल है सिरेमिक का, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका, कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही अच्छा कलर है। थैंक यू गो टू शेफ, थैंक यू श्यामा। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ओट्स ले लेंगे और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, तो मसाले यहाँ तो सैशे दिए हुए हैं इसलिए मैंने मसाले नहीं लिए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है। अब हम पहले पैकेट खोलेंगे। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम चॉप की हुई ली है, कैरेट है, ग्रेटेड बीटरूट है और सूजी है। सब्जी आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने ओट्स का पैकेट खोला है जिसमें चार सैशे है, तीन सैशे यहाँ पे होम स्टाइल मसाला है और एक सैशे टेंगी टमाटो है। तो आज हम टेंगी टमाटो यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे हाफ पैकेट ओट्स का जो है वो एक बोल में डाल दिया है और इसी के साथ मैं सूजी भी डाल दूँगी। आप इसमें कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, मोटी या बारीक। अभी यहाँ पे मैंने हरी मिर्च दो कटी हुई डाल दी है, कैप्सिकम फाइनली चॉप डाल दी है। आप इसमें कुछ भी वेजेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और ग्रेटेड बीटरूट डाला है इसके अंदर और ग्रेटेड ही मैंने कैरेट डाल दी है। और थोड़ा सा हमने दही डाल दिया है यहाँ पे बाइंडिंग के लिए। फ्रेंड्स, दही जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और ओट्स भी बहुत हेल्दी होता है। इसमें सारी हेल्दी चीज़ें ही है, आप इसे ब्रेकफास्ट डिनर में बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा कप के जितना। आपको कंसिस्टेंसी देख के पानी डालना है, पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, साथ में नहीं करना है। अब थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ डाल दिया है तो टोटल मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी एक बार। और अब इसमें हम हमारा फ्लेवर डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने टेंगी टमाटो फ्लेवर ऐड किया है। आप चाहें तो ओट्स के पैनकेक की जगह पे आप इसकी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये अभी मैंने इसको हिला दिया है थोड़े अच्छे से और इसमें चॉप्ड फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दिए हैं और इसे फिर से एक बार हम हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से सोक हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए हम ढक्कन देकर रख देंगे। अब हम एक पैन में आधा टीस्पून के जितना बटर डालेंगे और इसे पैन को ग्रीस कर देंगे। और यहाँ पे एक कप जितना मैंने पनीर के क्यूब्स ले लिए हैं। फ्रेंड्स, सैंडविच में जो फिलिंग है वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोटीन्स वेजेस सब कुछ डाला है, तो यहाँ पे अभी मैं इसे शैलो फ्राई कर दूँगी जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन नहीं हो जाते हैं। क्योंकि ओट्स का जो पैनकेक है वो सॉफ्ट है, वेजेस हैं, तो ये पनीर उसके साथ बहुत ही अच्छे से जाता है। तो अब हम पनीर फ्राई हो गया है तो इसे एक अलग से प्लेट में ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये पनीर जो है ये फ्राई करना ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसी पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ओट्स का बैटर डाल दूँगी और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पैनकेक्स में फैला दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इस तरीके से पैनकेक के सैंडविचेस भी बना सकते हैं और ये मॉर्निंग रूटीन में बहुत काम रहता है, फटाफट ये बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको, 10 से 15 मिनट हार्डली बनने में लगते हैं। अब इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर देंगे, शैलो फ्राई कर देंगे।
यहाँ पे बिना बटर के भी आप कर सकते हैं। मैंने उसी पैन के अंदर डाल दिया था बैटर और मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल भी बटर नहीं डालना है तो अवॉइड कर सकते हैं, या ऑयल डालना है तो ऑयल या घी भी डाल सकते हैं। और अब ये यहाँ पे हमारे सारे पैनकेक्स है वो मैं इस तरीके से बना दूंगी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप डाइट पे हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने थोड़े वेजेस ले लिए हैं अपनी चॉइस के। अब मैं एक पैनकेक इस तरीके से ले लूँगी और इसके ऊपर केचप डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चटनी या मेयो या बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। थोड़ा लेटस कटा हुआ डाल दूँगी और थोड़े से इसके ऊपर मैं टमाटर स्लाइस किए हुए लगा दूँगी। और ये जुकीनी है जिसको मैंने नूडल्स शेप में कट कर दिया था, और एक प्याज और थोड़ा सा पनीर डाल दूँगी। और अब हम इसके ऊपर जो हमारा टैंगी टमाटो वाला फ्लेवर था वो थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा फिर से लेटस लगा देंगे, और फिर से इसके ऊपर एक दूसरा पैनकेक रख देंगे। और इसे हम बीच में से इस तरीके से सैंडविच कट करते हैं वैसे कट कर देंगे, और इसे एंजॉय करेंगे चटनी या फिर केचप के साथ में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे कि मेरे नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलती हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।